हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं चटपटी भेल, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे और इसमें हम ये सब मुरमुरे डाल देंगे। हम इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आपको रोस्ट इसे क्यों करना है, ताकि हमारे मुरमुरे अच्छी तरह से क्रिस्पी बन पाए। ये देखिए, अब हम भेल तैयार कर लेंगे। अब हम मुरमुरों में तले हुए कॉर्नफ्लेक्स, स्पाइसी पीनट्स, दालम, फरसान, ये सब डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, ये सब डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें हरी चटनी और इमली की चटनी डाल देंगे। इससे हमारी भेल अच्छी तरह से चटपटी बन जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा लेमन जूस डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। और ये देखिए, हमारी भेल अच्छी तरह से तैयार हो गई है। हम इसे गार्निश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भेल अच्छी तरह से तैयार हो गई है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।